हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे पटना के इको पार्क में, जिसे कि राजधानी वाटिका भी कहा जाता है। दोस्तों ये पटना का सबसे मशहूर पार्क है। दोस्तों ये लगभग जो है 9.18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें टहलने के लिए करीब 1445 मीटर का ट्रैक बना हुआ है। जॉगिंग के लिए इसमें 1191 मीटर का ट्रैक बना हुआ है। दोस्तों इसमें ओपन जिम भी है, बच्चों के खेलने की सुविधा भी है। इसमें बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। यहाँ पर दो झीलें भी हैं जो कि लगभग एक एकड़ में फैली हुई हैं। तो दोस्तों हम एक बार और जान लेते हैं यहाँ पे एंट्री फीस क्या लगती है। दोस्तों यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो करीब 20 रुपये के आसपास है। ये पार्क जो है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, और ये पटना जंक्शन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका पूरा एड्रेस और लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके इसका लोकेशन भी देख सकते हैं और एड्रेस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम कहाँ पे, इको पार्क पटना। तो दोस्तों आज की यात्रा शुरू करते हैं इको पार्क पटना। तो दोस्तों हम ये इको पार्क में पटना पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। दोस्तों पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर ली हमने, और हमें सबसे इसका मेन गेट है, तो सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा। टिकट आपको बता दिया हमने, 20 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। और ये हम अंदर आ गए हैं दोस्तों, ये राजधानी वाटिका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अंदर आए थे, और ये टिकट काउंटर है, और ये मंदिर गए हैं। तो अंदर जाते ही सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये MiG-21 प्लेन है। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा पार्क है यहाँ का। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज आपके घूमने में। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। काफ़ी शानदार पार्क है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये करीब लगभग 9.18 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये देखिए झरना कितना सुंदर है, कितना सुंदर झरना है, पानी कितना बढ़िया बह रहा है इसमें। सीढ़ियाँ भी दी हुई पानी बहने के लिए। देखिए कितना सुंदर झरना है। दोस्तों ये एकदम पार्क जो है एयरपोर्ट के पास में, इसलिए हमें यहाँ पे जहाज भी थोड़ी थोड़ी देर में उड़ते हुए दिखाई देंगे। पटना एयरपोर्ट जो है नजदीक में ही है। दोस्तों यहाँ पे जो करीब 3000 तरह के पौधे लगाए गए हैं, जो कि इस पार्क की खूबसूरती को और बेहतरीन बनाते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 3000 से लगभग 6000 लोग घूमने के लिए आते हैं, और सप्ताह के अंत में ये संख्या बढ़कर के 6000 से 9000 तक पहुँच जाती है। दोस्तों यहाँ पर बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है, हम लोग यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर करीब 20 बोटें उपलब्ध हैं बोटिंग करने के लिए। काफ़ी अच्छा समय बीतने वाला है यहाँ पे। तो शायद लगता है संख्या बढ़ा दी गई है बोटों की। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की प्रतिरूप बनाया गया है। इसे डच मूर्तिकार डायना हैंगन और दिल्ली के कलाकार संजीव कुमार सिन्हा द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये राजा सलेश की मूर्ति है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रजत कुमार घोष द्वारा बनाया गया था। बहुत सुंदर मूर्ति है।
आइए दोस्तों देखते हैं। वो देखिए ये कैक्टस है, स्टील के बर्तनों से बना हुआ कैक्टस है। इसे विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार सुबोध गुप्ता ने 1000 से अधिक स्टील के बर्तनों से बनाया है। इसकी ऊंचाई लगभग 26 फीट है। दोस्तों ये देखिए ये बच्चों के लिए झूला है, इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे झूल सकते हैं। ये देखिए यहाँ बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है एंजॉयमेंट। बच्चे यहाँ आ करके भूल ही जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि पूछो मत। यहाँ कई प्रकार के झूले लगे हुए हैं। ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये देखिए चलते हैं, और ये जो है MiG-21 लड़ाकू विमान है जो दुनिया का सबसे पुराना लड़ाकू विमान में से एक है। इसे भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक है इसलिए जहाज भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर झरना है, मन कर रहा है बस इसे देखते ही रहिए। ये दोस्तों करीब 70 फीट ऊँचा झरना बनाया है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।